हेलो बच्चों, हाई स्कूल में आज हम आपको बेटा अध्याय थर्ड जो हमारा धातु एवं बेटा क्या है अधातु है इसके बारे में हम लोग बेटा स्टडी करेंगे। जब हमने आपको जो पिछली वीडियो पढ़ाया था बेटा, तो मैंने आपको जो है धातु के बारे में बताया था कि धातु क्या होती है, इसकी डिफिनेशन कैसे मैंने बताया था, इसके एग्जाम्पल और इसके लक्षण के बारे में आप लोगों को मैंने बेटा बताया था, ठीक है। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे कि बेटा हमारी अधातु क्या होती है बेटा, तो आइए हम लोग जो है अधातु की परिभाषा, अधातु की एग्जाम्पल और अधातु के क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में हम लोग बेटा जानते हैं। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा, हमने पढ़ाना है आज क्या बेटा अधातु। अधातु को बेटा हम इंग्लिश में बेटा नॉन मेटल का नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं, ओके। अधातु का मतलब क्या होता है बेटा, देख रहे हैं अच्छी तरीके, धातु से पहले आ लगा का मतलब अनुपस्थिति होता है, यानी अधातु का मतलब ये होता है कि जिसमें धातुओं के समान कोई लक्षण ना हो, यानी ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिसमें धातु की कोई भी फिनोमिनान नहीं पाई जाती हो, अर्थात जिसमें धातु का कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता हो, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, ठीक नहीं। डिफिनेशन कैसे रहेगी बेटा, अधातु कहते किसे हैं कि ऐसे तत्व जो अपने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं बेटा। धातु को मैंने बताया था कि धातु क्या होती है कि ऐसे तत्व जो अपने बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और त्यागने के बाद क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। यहाँ पर उल्टा होगा बेटा धातु का, कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब भी कोई पदार्थ ग्रहण करता है, तत्व ग्रहण करता है, तो बेटा क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। तो ये जो घटना होती है बेटा किसे कहलाती है, अधातु कहलाती है। तो क्या होगी डिफिनेशन बेटा, वे यानी वह तत्व या वे तत्व जो अपने जो अपने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन का सिंबल बेटा ई माइनस आप जानते हैं, क्या करता है, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, ऋणायन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऋणायन, यानी जिसके ऊपर कैफा चार्ज होता है बेटा, ऋण चार्ज होता है, बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी डिफिनेशन है, बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि वे तत्व जो अपने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो उसके ऊपर कैफा चार्ज आएगा बेटा, ऋण चार्ज आएगा, यानी ऋणायन बनाए, वही तत्व हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, अधातु कहलाते हैं बेटा, ठीक नहीं। जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाता है बेटा, ऋणायन बनाता है। जितना वह इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोष में ग्रहण करेगा उतना ही बेटा उसके ऊपर ऋण चार्ज आता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर कितना ऋण आएगा, एक, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दो, तीन करेगा तो बेटा तीन आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, तो आइए हम लोग जो है अब समझते हैं और जानते हैं कुछ एग्जाम्पल को बेटा लेकर के। जैसे हमारे पास बेटा फ्लोरीन एटम है, जब फ्लोरीन बेटा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो क्या होता है, फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो एफ के ऊपर बेटा क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं बेटा फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्या कहते हैं, फ्लोराइड आयन। उसी प्रकार से ऑक्सीजन बेटा अगर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर कुल कितने नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, दो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका नाम है ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। उसी प्रकार से बेटा हमारा नाइट्रोजन है, तीन इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो एन के ऊपर बेटा कुल कितना नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, तीन, इसका नाम है नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, या नाइट्रोजन आयन के नाम से भी या नाइट्राइड आयन के नाम से ज्यादा फेमस है बेटा। तो कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता तो ऋणायन बनाता है, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह उतना ही उसके ऊपर ऋण चार्ज आएगा बेटा। बात समझ में आ रहा है ना,
तो अगर आपको आधार के एग्जाम्पल पूछे जाए तो बहुत हैं जो हमारे गैस स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में? गैस स्टेट में, जैसे हमारे पास मैंने बताया बेटा हाइड्रोजन हो गया बेटा, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया बेटा, फ्लोरीन हो गया, ये जो एलिमेंट हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? आधातु के अंतर्गत आते। ठीक, तो ये तो हमारा रहा क्या बेटा, एग्जाम्पल रहा, जिसको आप अच्छी तरीके से बेटा समझ रहे हैं। आइए हम लोग जो है आधातु के लक्षण के बारे में जानते हैं कि आधातुओं का क्या लक्षण होता। तो क्या हेडिंग हमारी रहेगी? आधातु के लक्षण। ओके, आधातु के क्या बेटा लक्षण? पहली बात, जो आधातु होती है बेटा ये मुख्यतः जो हो बेटा होती है ये गैस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? गैस अवस्था में पाई जाती। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा आधातु प्रायः गैस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती हैं। बहुत है हमारे पास, जैसे बेटा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना बेटा, नियॉन, आर्गन वगैरह जो गैस स्टेट में होती हैं बेटा, वो हमारी क्या कहलाती है बेटा? आधातु। और कुछ आधातु ऐसी हैं बेटा जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे बेटा हमारा अपवाद के स्वरूप अगर देखा जाए, कुछ आधातु द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। अपवाद है ब्रोमीन बेटा। क्या होता है बेटा? ब्रोमीन। ब्रोमीन की जो भौतिक अवस्था होती है बेटा, ये क्या होती है बेटा? द्रव अवस्था होती है। ऐसे कौन से धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम आप जानेंगे बेटा, उसको क्या कहते हैं बेटा? ब्रोमीन कहते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन चूंकि एक प्रकार की आधातु होती है, लेकिन इसकी जो अवस्था होती है बेटा कैसी होती है? द्रव अवस्था होती है। इसको आप जो है बेटा जानेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट कि आधातु प्रायः हमेशा किस अवस्था में पाई जाती है? गैस अवस्था में। लेकिन एक है जो द्रव अवस्था में पाई गई है बेटा, वो हमारी कौन है बेटा? है ब्रोमीन होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि आधातु जो होती है विद्युत धारा की कुचालक होती है बेटा। क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। क्या होती है बेटा? जो हमारी अधातुएं होती हैं ये प्रायः विद्युत धारा की क्या होती है बेटा? कुचालक होती है। यानी इसमें किसी भी गैस का अगर प्रवाह करें हम, इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। लेकिन याद रखें बेटा कि हमारे पास एक अपवाद है, अगर आप जानते होंगे इसके बारे में, अपवाद अगर हम बात करें, आपने सुना होगा बेटा अच्छी तरीके से डायमंड, हीरा। चूंकि डायमंड जो हीरा होता है बेटा, वो धातु नहीं होता बल्कि कार्बन का अपर रूप होता है। तो जो हमारा हीरा होता है ये बेटा एक प्रकार की आधात होती है। हीरा विद्युत का बेटा क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत धारा का बेटा क्या होता है? सुचालक होता है। तो ये हमारा बेटा अपवाद है, इसको आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना, कि हीरा जो होता है विद्युत धारा का बेटा क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है बेटा, ये विद्युत धारा का बेटा क्या होता है? सुचालक होता है। क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है बेटा, ये कार्बन का पर रूप होता है, और ग्रेफाइट बेटा जो होती है हमारी अधातु के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, तो ये हमारा अपवाद है कि सभी अधातुएं विद्युत धारा की क्या होती है बेटा? कुचालक होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत धारा का क्या होता है बेटा? सुचालक होता। ठीक है, ये हमारा रहा दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट बेटा क्या है कि आधातु जो होती हैं, अधातुएं या अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। किसका गुण बेटा?
भंग गुणता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? अधातु में किसका गुण पाया जाता है? भंगुरता का गुण पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर आप अधातुओं को हथौड़े से तोड़ें तो क्या होता है बेटा, ये छोटे छोटे पार्ट में बेटा क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे बेटा हमारे पास फास्फोरस हो जाए, क्या हो जाए बेटा हमारा फास्फोरस हो जाए, अगर इसको बेटा आप हथौड़े से तोड़ेंगे, फास्फोरस एक प्रकार अधात होती है, जब इसको तोड़ेंगे आप तो क्या होता है ये बेटा कई भागों में क्या होता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि भंगुरता का मतलब बेटा जिसको हथौड़े से तोड़ें और तोड़ने के बाद वो छोटे छोटे पार्टों में क्या हो जाए, टूट जाए। तो ये केवल गुण किसमें पाया जाता है बेटा? अधातुओं में पाया जाता है। तो अधातुओं में किसका गुण पाया जाता है? भंगुरता का गुण पाया जाता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट, इससे तार नहीं खींचे जा सकते हैं, नहीं खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। ओके बेटा, कि अधातुओं से अगर आप बेटा सोचे कि हम इसके लंबे तार खींच ले जैसे धातुओं में होता है, तो इसमें भी बेटा आप इसमें से कोई घटना नहीं होती कि इससे हम चाहे कि एक तार बनाकर खींच ले अच्छी तरीके से, तो इससे आप बेटा खींच नहीं पाएंगे। ये भी इसका एक लक्षण है कि अधातुओं से बेटा आप कभी तार जो है बेटा नहीं खींच सकते। ठीक है ना? तो हम लोगों ने धातु और अधातु के जो लक्षण थे बेटा, डिफ्रेशन थी, इसके बारे में हम लोगों ने बेटा क्या कर लिया है, कवर कर लिया। जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बेटा, तब आपको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।